सो so इस पिछले बहुत टाइम से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि, कि कोई बजट में अच्छा साउंड वाला ईयरबड्स हमको सजेस्ट करो टी कोई ढंग का ईयरबड्स लेके आओ भाई आप महंगे महंगे ईयरबड्स की वीडियो बना रहे हो बजट ईयरबड्स कहां तो भाई, फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट सुन ली गई है एंड आज हम आप लोगों के लिए एक बजट बहुत जबरदस्त साउंडिंग ईयरबड्स लेकर आए हैं मैड रेबिट की तरफ से और ये आ चुका है हमारे पास पैकेज आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके सारी बातें बताने वाला हूँ इस मैड ड्राइबिट के साथ मिलकर सो ही एंड इज अनबॉक्सिंग ऑफ द मैड मैडिड ईयर आओ, लेट्स <laughs> इन ईयरबड्स को मैं पिछले लगभग लगभग चार से पांच दिन से यूज कर रहा हूं तो पहले आप लोग चार पांच दिन पुरानी अनबॉक्सिंग देखो फिर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे लेट्स सी कैसा है भाई? क्या मतलब हाई क्वालिटी बक्सा भेजा देख रहे हो वाह पूरा एकदम कपड़े वाला मटेरियल है ये मैड मैड्रैबिड का लोगो है यहाँ पर एंड देखो मैग्नेटिक भाई साहब खर्चा ये ओपन ओ भाई ये तो देखो टेक बुफे मैड मैड्रेबिड क्या बात है ये देख के हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर हमको दो प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है मैड मैड्रेबिड का सोल बर्ड प्रो एंड ये वाला मैड मैड्रैबिड का सोल सो सोलबर्ड लेट्स क्विकली अनबॉक्स इट ये प्रो वाला है ये सोल सोलबर्ड थोड़ा सा लोअर वेरिएंट आई गेस इधर क्लियर कॉल एएनसी है एएनसी भी है हम ओपन करते हैं भाई क्या ही मतलब पैकेजिंग है यार रैबिट यहाँ पर, nice, पर, पर पूरी ग्लॉसी फिनिश हमको देखने को मिलती है ये प्रो है एंड यहाँ पर हमको सारे जो रीडिंग मटेरियल देखने को मिल जाते हैं काफी लंबा रीडिंग मटेरियल है भाई ये तो उसके बाद यहाँ पर हमको एक और छोटा सा पाउच देखने को मिलता है जिसमें मोस्ट ऑफली कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है एंड एक यूएसबी टाइप की तरफ बढ़ते हैं ये, है का पैकेजिंग बहुत है, बहुत ही है। ये तो बहुत ही सिमिलर है। ऐसा लग रहा एक है एकदम सेम ही इयर बर्ड है थोड़ा सा ये राउंडेड है थोड़े यहाँ पर भी हमको वही मल्टीपल किताब कॉपियां देखने को मिलती है आई थिंक यहाँ पर सारी चीजें सेम ही होंगी वही यूएसबी टाइप सी केबल एंड वही मल्टीपल ईयरबड्स का एक्स्ट्रा पाउच दैट्स ऑल सो एक काम करता हूँ मैं कुछ दिन इसको इस्तेमाल करता हूँ फिर आप लोग के सामने आता हूँ ओके सो ऑलमोस्ट चार पांच दिन हो चुका है मैं को इसको, इसको इस्तेमाल करते हुए एंड आई है आएम रियली इंप्रेस अब हम लोग क्विकली बात करें प्रोडक्ट की तो मैंने वही यूज कर रहा हूँ तो देख लो पर कान में लगे हुए हैं सबसे सब पहले अगर बॉक्स की जो कैरिंग केस है यह पूरा ग्लॉसी प्लास्टिक के अंदर हमको देखने को मिलता है तो ग्लॉसी प्लास्टिक होने के वैसे हल्के फुलके माइनर स्क्रेच आपको देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर काफी छोटा सा कॉम्पैक्ट बॉक्स है तो आप इजिली इसको जीन्स के पॉकेट में अपने बैग वगैरह में कैरी कर सकते हो एंड जो इसका वेट है वो सिर्फ फोर्टी फाइव ग्राम है तो बहुत लाइट वेट है तो आपको कहीं कैरी करने में कोई इशू नहीं आएगा और जो बिल्ड क्वालिटी है जो हिंज वगैरह की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है इधर पे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है पर आपको एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है जो एलईडी लाइट्स में आपको बैटरी इंडिकेटर बेसिकली कितना बैटरी है वो आपको Matterbit का लोगो देखने को मिल जाता है बाकी आप लोग जैसे ये हिंज देख रहे हो यहाँ पर मैग्नेटिकली ये लॉक हो जाता है काफी जबरदस्त है ये वाला पार्ट भी मुझे अच्छा लगा बाकी जब ईयरबड्स की बात करूँ तो ये भी ग्लॉसी प्लास्टिक में है और इनकी क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है इसका जो शेप है ईयरबड का वो भी बहुत बेहतरीन है इधर पे हल्का सा ऐसा क्रॉस्ट वाला है 45 डिग्री एंगल में ताकि वो आपके कान में बहुत ही प्यारे तरीके से बैठे अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखो कुछ इस तरह से इजीली कान में आपके बैठ जाता है कान में बैठने के बाद भाई ये इतना ज्यादा लाइट वेट है इतना ज्यादा लाइट वेट है कि भाई मालूम ही नहीं पड़ता है कि आपने कुछ पहन रखा है अगर आपको एक ईयरबड चार ग्राम का है। दोनों ईयरबड आठ मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है चार से पांच ग्राम का एक ईयरबड है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ कान में पहन रखा है इतना ज्यादा हल्का है जैसे फोर्टी फाइव डिग्री एंगल है तो बराबर वो आपके ईयर कनाल में जाके बैठता है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म तक के आपको कोई कंफर्ट का इशू नहीं आएगा जो बिल्ड क्वालिटी है जो डिजाइन है यहाँ पर जो ये हल्का सा सिल्वर एक्सेंट है इस चीज की वजह से इट लुक्स रियली नाइस अगर कान में लगाने का देख लो कुछ इस तरह का लुक आता है भाई जिम वगैरह में मैंने यूज किया तो काफी अच्छा दिखता है काफी देर तक के मैंने पहन के रखा तो भाई मेरे को कंफर्ट में भी कोई इशू नहीं आया बहुत लंबे टाइम तक के भी भाई एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा था विच इज वेरी नाइस बिकॉज लाइट वेट है डिजाइन भी उसका बहुत इकोनमिक है इसकी वजह से कान में एकदम परफेक्टली बैठता है तो आपको कंफर्ट में भी कोई इशू नहीं आएगा प्लस स्वेट एंड डस्ट प्रूफ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप जिम में यूज कर रहे हो पसीना से आता है तो दिक्कत की बात नहीं है बाकी जो ये एयरबड्स है इसके अंदर यहां पर हमको इधर ऊपर के साइड में टच जेस्चर देखने को मिल जाते हैं जैसे आप टच करके सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो सो इस जैस्चर की बात करूँ तो सिंगल टैप पे सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज होता है अगर राइट वाला दबाओ तो इंक्रीज होता है लेफ्ट वाला दबाओ तो डिक्रीज होता है जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो लेफ्ट वाला

ट्रांसपेरेंसी मोड आ गया ए ऑफ तो इसको ट्रिपल टैप करने से लेफ्ट वाले से और राइट वाले को ट्रिपल टैप करोगे ना आप तो मैं सुनाता हूँ देखो गेमिंग मोड में चलेगा म्यूजिक मोड में चलेगा तो ट्रिपल टैप से गेमिंग एंड म्यूजिक मोड राइट वाला और लेफ्ट वाला ट्रिपल टैप ए वगैरह ट्रिगर करने के लिए तो so ये सारी जेसर्स आपको देखने को मिलते हैं जिसके मदद से आप पूरे ईयरफोन्स को कंट्रोल कर सकते हो बाकी एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा भाई कि इसके अंदर हमको क्विक कनेक्ट देखने को मिलता है जैसे मैं अगर इसके अंदर लगाता हूँ ढक्कन खोलता हूँ एंड इधर ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया ढक्कन बंद किया डिस्कनेक्ट हुआ है तो बहुत जबरदस्त क्विक कनेक्ट का फीचर हमको देखने को मिलता है जो यहाँ पर काफी जबरदस्त चीज है प्लस इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है अप टू ट्वेंटी एट डेसीबल्स ये बटन को मैं तीन बार टैप करता हूँ ना तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाता है काफी अच्छे से काम करता है लाइक अगर आपके घर में फंका वगैरह चल रहा है तो उसकी आवाज़ गायब हो जाती है एसी की आवाज़ आ रही तो उसकी आवाज़ गायब हो जाती है जो कॉन्स्ट नॉइज होती है ना वो ऑलमोस्ट गायब हो जाती है तो विच इज़ वेरी नाइस और तीन बार आप टैप करोगे तो ट्रांसपेरेंसी भी चल होता है जैसे आप रोड पर चल रहे हो और आपको आसपास की आवाज भी सुननी है ट्रिपल टैप करके लेफ्ट वाले पे आप ट्रांसपेरेंसी ऑन कर दो तो आपको ट्रांसपेरेंसी में आसपास

को मिला जो हाइज है जो मिड्स है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर क्लियरली सुनाई देता है काफी क्लैरिटी है ईयरफोन्स के अंदर तो मुझे काफी अच्छा लगा भाई। जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन है काफी बैलेंस साउंड सिग्नेचर मेरे को देखने को मिला जो कि मुझे काफी अच्छा लगा भाई बहुत सारे मैं टीवी शोज वगैरह देखता हूं तो मैं इसके अंदर ही देख रहा था तो वोकल्स वगैरह क्वालिटी बहुत अच्छी थी और उसके बाद मल्टीपल कोडेक का सपोर्ट है एस है ए है और उसके बाद आपको फ्लैग भी देखने को मिलता है एफ भाई काफी जबरदस्त वाला कोडेक है और साथ में आपको ए कोडेक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है वेरी नाइस nice. अगर आप कॉल क्वालिटी की बात करू तो भाई साहब इसके अंदर हमको स्मार्ट ई एनसी टेक्नोलॉजी को मिलती है फोर है है वजह से बहुत ही ज़्यादा क्लियर कॉल क्वालिटी हमको मिलती है. अगर मैं आपको लाइव कॉल दिखा दूँ सो लेट्स सी मैंने कॉल किया अपने भाई को एंड अभी जो आप लोग आवाज सुन रहे हो ये इस ईयरफोन से रिकॉर्ड होती है इंडोर इन्वायरमेंट में एंड सामने वाले के फोन में रिकॉर्ड हो तो आपको आइडिया लगेगा कि जब आप कॉल पे बात करोगे तो सामने वाले को किस तरह की आवाज जाएगी लेकिन इंडोर इन्वायरमेंट है अब अगर आउटडोर की बात करू तो ये आप लोग आउटडोर का भी सैंपल सुन लो फिलहाल मैं आउटडोर इन्वायरमेंट में हूँ मतलब यहाँ पर मार्केट है काफी ज्यादा यहाँ से आवाज़ आसपास मतलब तो बहुत ज्यादा छिंदन च्छिल्ण छिंदी है एंड इस माहौल में कुछ इस तरह की आवाज सामने वाले के फोन में रिकॉर्ड होती है ये मैट्राइविट टोल बर्ड प्रो के माइक से सामने वाले के फोन में आवाज जा रही है तो कुछ इस तरह की आवाज़ रिकॉर्ड होती है भाई आउटडोर इन्वायरमेंट में नो कैसे है। so guys, जैसे आपने सुना इवन आउटडोर में भी काफी जबरदस्त माइक क्वालिटी थी कॉल पे बहुत अच्छे से आप बात कर सकते हो आउटडोर में रहो तो भी जो कि काफी अच्छा लगा तो मैड ने यहाँ पर जो माइक की क्वालिटी है जो मेन ड्राइवर्स की क्वालिटी है उस पे बहुत जबरदस्त काम किया है सो ह्यूज प्रॉप्स बाकी बैटरी लाइफ की बात करू तो ट्वेंटी फोर आवर्स का क्लेम है जो कि काफी जबरदस्त है आप लोग इजिली इसके अंदर मतलब फास्ट चार्जिंग यूज भी सी के थ्रू कर सकते हो एंड इसको चौबीस घंटे तक चला पाओगे ए एनसी के साथ में जो काफी जबरदस्त है एंड बैटरी लाइफ में अगर कॉलिंग टाइम की बात करू तो अपू ट्वेंटी का कॉलिंग टाइम आपको देखने को मिलता है जो कि काफी जबरदस्त है बाकी बैटर लाइफ के बाद अगर मैं लेटेंसी की बात करूं तो मैंने इसके वीडियो देखा, मैं को का कोई भी नहीं देखने को मिला प्लस इसके अंदर हमको गेमिंग मोड देखने को जाता है लेटेंसी है, है जिसके अंदर देखने को मिलती है तो नॉर्मल मोड में और गेमिंग मोड में भाई बहुत जमीन आसमान का फर्क है मैं आपको ये, ये अब गेम मोड ऑन करते हैं तो देखो काइस अभी ये गेम मोड है तो so, काफी Tied कम लेटेंसी हो गई काइज अभी मैं अगर आपको डायरेक्ट फोन का दिखाऊं तो यहां से ब्लूटूथ बंद करता हूं ये फोन का है डायरेक्टली वेरी नाइस तो नॉर्मल मोड में आप वीडियो वगैरह देखोगे कोई इशू नहीं आता लेटेंसी वगैरह तो बिल्कुल आपको फील नहीं होती लेकिन जब गेम खेलते हो नॉर्मल मोड में तो आपको हल्का फुल्का लेटेंसी फील होगी लेकिन जैसे आप ट्रिपल टैप करोगे राइट वाले पे और गेमिंग वाले मोड में जाओगे तो लेटेंसी बहुत कम हो जाती है तो आप इजीली गेम प्ले कर सकते हो इसके अंदर जो कि मुझे काफी जबरदस्त लगा बाकी ये जो मैड सोल सोलबर्ट प्रो है ये आपको थ्री थाउजेंड में मिलेगा लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है आपको टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज में आप लोग जैसे अमेजन के ऊपर जाओगे तो आपको फाइव हंड्रेड रुपीज का कूपन देखने को मिल जाएगा अगर आप इनके वेबसाइट से बाय करते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन है।, तो है उसके बाद आपको कैंसलेशन गेमिंग मोड ओवरऑल बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट सोल बर्ड अल्फा भी देखने को मिल जाता है जिसका प्राइस टू थाउजेंड रुपीज है थोड़े से कम रेंज में आता है एंड ये भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है लेकिन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है साउंड क्वालिटी वो लेवल पे नहीं है लेकिन भाई इसका जो प्राइस है वो सिर्फ दो हजार रुपये है और इसके ऊपर भी आपको फाइव हंड्रेड रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलता है और ये वाले ईयरबड्स आपको पंद्रह सौ रुपए मिल जाएंगे बहुत जबरदस्त प्राइसिंग है भाई मुझे तो काफी अच्छा लगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है तो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो एंड बाई दे ये वीडियो हम लोग मैड ड्राबेड के साथ कोलेबोरेन में बना रहे हैं बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक शय सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज बाय